मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है। तो इसमें दो पार्ट होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड इट्स रिलेटेड डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। अगर हम इसके टेस्टिस की बात करें तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और सक्रोटल में पाया जाता है, और इसलिए क्योंकि ये जो होता है सक्रोटम में होता है जो कि इसको प्रॉपर टेम्परेचर देता है। ये ओवल होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है एंड पिंकी स्किन कलर होता है। अगर इसका साइज देखें तो 4 to 5 centimeter इन लेंथ, 2 to 3 centimeter इन थिकनेस एंड 2 to 3 centimeter इन वेथ, और वेट की बात करें तो ये 12 gram होता है। और प्रत्येक दो टेस्टिस जो होता है इंटरनली एक दूसरे से जुड़ा होता है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसमें अर्टरी, वेन, लिम्फ, नर्व्स, मसल्स एंड वास डिफरेंस होता है। ड्यूरिंग द हम बात आगे करें तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस अगर हम ये बात करें तो ये होता है एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन उसके बाद 7th month के करीब ये डिसेंड करता है, उतर आता है इंगुलन कैनाल के द्वारा सक्रोटम में। आगे हम अगर इस टेस्टिस को देखें तो ये टेस्टिस का हम अगर सेक्शन करते हैं LS, फिर यहाँ पे TS, बट इसके पहले हम देख लें कि यहाँ पे टेस्टिस जो है वो दो टेस्टिस है और टेस्टिस से जुड़ा होता है वास डिफरेंस के द्वारा, ये जुड़ा रहता है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से, और वो आगे जुड़ा रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, और उसके आगे कॉपर ग्लैंड, और यहाँ पर जो एक यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट जुड़ा रहता है। मतलब ह्यूमन के केस में यूरिन और सीमेन यानी स्पर्म का जो फ्लूड होता है वो एक साथ आता है, तो वो जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है और यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है, चाहे वो सेमिनल वेसिकल्स हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो या कॉपर ग्लैंड हो। और ये जो डक्ट है वास डिफरेंसिया, ये जब इसके डक्ट से मिलता है तब जो डक्ट बनता है उसको कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इसका मतलब है इसमें क्या क्या है डक्ट। अगर हम टेस्टिस से रिलेटेड डक्ट की बात करें तो रीटी टेस्टिस यानी टेस्टिस से जो स्पर्म जाता है ट्यूब्यूल्स होता है छोटा छोटा रीटी टेस्टिस, वहाँ से पर्लर ट्यूब्यूल्स होता है उसको वास डिफरेंसिया, उसके बाद 6 meter के करीब हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। यहाँ पे न सिर्फ स्पर्म जमा होता है बल्कि मैच्योर होता है, और यहीं से स्पर्म वास डिफरेंस के द्वारा वो एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। तो ये फाइनल जो है वास डिफरेंस का रोल है, और आगे स्टिलाइजेशन में इसको कट एंड टाई किया जाता है। इजाकुलेटरी डक्ट हमने बताया था कि ये जो डक्ट जाता है ये सेमिनल वेसिकल के डक्ट से जुड़ता है तो इजाकुलेटरी डक्ट बनता है, और फाइनली वो यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ने के बाद वो जिस एक्सटर्नल पार्ट से जुड़ता है उसको यूरिथ्रा या एक्सटर्नल जेनिटल कहते हैं, और जो ओपन होता है जिस जगह से उसको यूरिथ्रा मीटस कहते हैं। अब हम टेस्टिस को सेक्शन करके देखें तो इसमें 250 लोब्यूल्स होते हैं, और प्रत्येक में 3 to 4 पेयर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। और अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को सेक्शन काट करके देखें तो ये दो तरह के सेल से बना होता है, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। जर्म सेल डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बनाता है और सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन देना, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में सेल्स होता है इंटरस्टिटियल स्पेस में, इसलिए इसका नाम है इंटरस्टिटियल सेल्स, और ये एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है। इसका मतलब है टेस्टिस जो होता है ना सिर्फ एक ऑर्गन है जो सेल बनाता है बल्कि वो हार्मोन भी रिलीज करता है, इसलिए ये हेटरोक्राइन ऑर्गन कहते हैं। और आफ्टर स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोगोनिया लगातार या जर्म सेल लगातार डिफ्रेंशिएट होता है और फाइनली स्पर्म बनता है। और अगर स्पर्म करें तो ये मेल गैमिट है, यहाँ पे इसका जो हम पार्ट देखेंगे तो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल होता है। हेड में एक्रोसोम पाया जाता है जहाँ पे एंजाइम होता है, मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी है, और ये जो न्यूक्लियस है ये हेप्लॉइड होता है क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होने के बाद बनता है, जो गैमेटोजेनेसिस है वो मियोसिस के बिना नहीं हो सकता।
और उसके बाद यहाँ पे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से टेल फिलामेंट आगे की ओर बढ़ता है, और ये जो मिडिल पीस है वो स्पर्म के मूवमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल रखता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, टेल डायरेक्शन देता है। तो एक जो टेस्टिस होता है वहाँ ना सिर्फ टेस्ट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बल्कि वहाँ पे मैचुरेशन होता है, स्टोरेज होता है। और इसके प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन होता है। तो अगले क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, मैचुरेशन के संबंध में और इसके प्रोसेस के संबंध में।